हेलो, वेलकम टू शबनम की रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद की शीर कुर्मे की रेसिपी। ये मैंने 3 लीटर दूध लिया है, इसे गैस पे उबलने के लिए रख दिया है। लीजिए, दूध उबल रहा है। अब इसमें आधा कटोरी चीनी डाल दूँगी। चीनी को चम्मच से हिला दूँगी ताकि चीनी घुल जाए। चीनी घुलने तक इसे पका लूँगी। एक बाउल सेवइयाँ हैं, इन सेवइयों को मैंने घी में भून लिया था। सेवइयों को तब तक मिला लूँगी जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए। इसे भी 2-3 मिनट के लिए पका लें। यह है ड्राई फ्रूट, काजू, चारोली, बादाम, पिस्ता और किशमिश। मैंने काजू, बादाम और पिस्ते को नीम गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था। बादाम के छिलकों को छील कर इन सबको पतले पतले छिलकों में कट कर लिया है और घी में भून लिया है। दो टेबल स्पून काजू, 2 टेबल स्पून बादाम, 2 टेबल स्पून पिस्ता, 2 टेबल स्पून चारोली और 2 टेबल स्पून किशमिश। इन सबको दूध में डाल दूंगी और अच्छी तरह पका लूंगी। ये है आधा कटोरी खोया, इसमें मैं थोड़ा सा दूध मिला लूँगी और इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर इसमें मिला लूँगी। और इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लूँगी। लीजिए, हमारी सेवइयाँ तैयार हैं। अब मैं इन्हें सर्विंग बाउल में निकाल लूँगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।